राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स लेक्चरर। सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी डिस्कस अबाउट द प्लेन ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस एंड आल्सो वी डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स एंड अनदर फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो अपन ने एनर्जी डेंसिटी को भी अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। आफ्टर ऑल अपन ने एनर्जी डेंसिटी के साथ में वहाँ पर एवरेज एनर्जी जो डेंसिटी थी उसको भी अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो ये अपन ने प्रीवियस सेक्शंस के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब जो आपके पास में अगला टॉपिक आता है वो होता है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, अब जो अपने पास में नया टॉपिक होता है वो होता है आपका क्या, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो अपने पास में जो नया टॉपिक होता है वो कौन सा आता है, पॉइंटिंग वेक्टर। अभी पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी। एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मतलब एनर्जी का फ्लक्स, उसका जो डेंस फॉर्म होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। या फिर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो मैं आगे जब डेरिवेशन पूरा इसका कंप्लीट कर लेंगे अपन उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वो थोड़ा समझ के थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब इसके जो अपने पास में डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कि जो एनर्जी आपका पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट इज नोन एज एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस वेक्टर। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस वेक्टर से। ये पॉइंटिंग वेक्टर आ रहा है अपने पास में, तो ये कैसी क्वांटिटी होती है अपने पास में, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये जो हमारे पास में एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी जो होती है ये कैसी फॉर्म है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म वो इस तरीके से दिया जाता है, S इक्वल्स टू E क्रॉस B ओवर म्यू नॉट। ठीक है, E क्रॉस B ओवर म्यू नॉट किसके लिए, ये तो फ्री स्पेस के लिए बात हो गई। ठीक है, और S इक्वल्स टू E क्रॉस B ओवर म्यू, ये किसके लिए बात हो गई, मीडियम के लिए बात हो गई। ठीक है, इसको और अनदर फॉर्म जो होती है, अनदर फॉर्म अपन ये भी बता सकते हैं कि जो ये S होता है अपने पास में, ये E क्रॉस में क्या होता है, H। ये क्या होता है, E क्रॉस में क्या होता है, H होता है अपने पास में। ठीक है, क्या होता है, E क्रॉस में H। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि H बराबर कितना होता है, B अपॉन में म्यू नॉट और B अपॉन में म्यू। ठीक है, फ्री स्पेस और मीडियम के लिए H अपने पास में, तो ये अपने पास में क्या लिखा जाएगा, S इक्वल्स टू E क्रॉस में H। ये आपका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, पॉइंटिंग वेक्टर का।
अब अगर आपने थर्ड ईयर का, मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ क्वांटम से, और क्वांटम में अगर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वहाँ पर ना हम एमिसिव पावर निकालते थे, और एमिसिव पावर जो होता था वो भी यही होता था, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और वहाँ पर उसको एक इंटेंसिटी से डिफाइन किया जाता था। किससे डिफाइन किया जाता था? इंटेंसिटी से। दैट मीन्स अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू ले लेता हूँ, इस एस वेक्टर की अगर मैं एवरेज वैल्यू लेता हूँ, तो फिर अपने पास में ये क्या बताएगा? इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का अगर आप एवरेज वैल्यू लेते हो, तो वो ऑलवेज क्या डिफाइन करता है? उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। कि जो भी आपने पास में फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका अगर आप एवरेज लेते हो, तो वो उस पॉइंट पर क्या बताता है? उस फिजिकल क्वांटिटी की इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। चलो तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं इसमें। सिंस वी नो दैट कि S बराबर कितना है अपने पास में, S बराबर कितना है E क्रॉस में H। ऑल्सो जो अपने पास में B होता है, B ये कितना आता है अपने पास में, 1 ओवर C K क्रॉस में E, यही होता है अपने पास में। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाय म्यू नॉट, तो अपने पास में देखो ये कितना हो जाएगा, b ओवर म्यू नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर c म्यू नॉट, और यहां पर कितना आ जाएगा ये k क्रॉस में e, ठीक है। आगे बढ़े, ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये b ओवर म्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा आपका h वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1 ओवर c म्यू नॉट, इसको ओपन करेंगे तो ये के ई साइन थीटा, ठीक है। लेकिन इसको वेक्टर क्वांटिटी में ही लिखे रखते हैं, क्योंकि अपने को वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, तो मॉड नहीं लेंगे अपन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास में 1, एंड ये इक्वेशन नंबर आ गई 2, तो इक्वेशन वन एंड टू से क्या पता लगता है कि जो S होगा वो कितना हो जाएगा, E क्रॉस H की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में C म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा, K क्रॉस में E, ओके। फर्दर अगर मैं मूव करता हूँ, तो ये S बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में C म्यू नॉट, ये तो स्केलर वैल्यूज हैं, ये तो बाहर आ जाएंगी, ये कितना हो जाएगा, E क्रॉस K क्रॉस में E, यही होगा अपने पास में, ठीक है। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, तो देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, S इक्वल्स टू 1 अपॉन में C म्यू नॉट, यहाँ पर तो आ जाएगा K E डॉट E, और यहाँ पर बचेगा अपने पास में माइनस E डॉट K डॉट E, ये रह जाएगा अपने पास में। फर्दर मूव करें तो S इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में C म्यू नॉट, देखो ये टर्म तो अपने पास में जीरो हो जाएगी, ये तो K कैप बचेगा, और ये कितना हो जाएगा E स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में E स्क्वायर, सिंस जो अपने पास में K और E, इसका डॉट प्रोडक्ट में पहले ही आपको कितना करा चुका हूँ, जीरो करा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं, अपन डायग्राम भी बनाया था प्रोपागेशन वेक्टर का, वो है डायरेक्शन, तो प्रोपागेशन की डायरेक्शन और जो अपने पास में ई जो वेक्टर होता है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, एस वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर सी म्यू नॉट, और अपने पास में ये वैल्यू कितनी आएगी, ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास में के कैप, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, के कैप, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या निकाला है अपन ने, अभी तो अपन ने S को E की टर्म्स में निकाल लिया, किसकी टर्म्स में निकाल लिया, इसको S को E की टर्म्स में अपन ने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं एवरेज वैल्यू की बात करता हूं, ठीक है, टेकिंग
एवरेज ऑफ अबाउ इक्वेशन, तभी तो इंटेंसिटी आएगी। तो अपने पास में जो एस वेक्टर होता है इसका अगर मैं एवरेज लूंगा, तो देखो इसका एवरेज मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं कि ई स्क्वायर का एवरेज अपने पास में कितना आता है, ई नॉट स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, ई नॉट स्क्वायर ओवर कितना आता है अपने पास में, 2 होता है, यही होता है ना। और ये आ जाएगा अपने पास में, अब ये देखो ये फर्दर अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ तो ये कितना होगा देखना एक बार। मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे सी से स्क्वायर, मतलब ऊपर सी से मल्टीप्लाई किया नीचे सी से डिवाइड किया, ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर ओवर 2। और इसको मैं ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा सी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट, और ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर ओवर 2। और अपने पास में जो ये टर्म बचेगी अब लास्ट में, ये कितनी रह जाएगी, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, ये अपने पास में क्या आएगी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा यहाँ पर। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर की अपने पास में एवरेज वैल्यू होती है वो अपने वो क्या बताती है, इंटेंसिटी। और वो इंटेंसिटी कितनी होती है, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये अभी फ्री स्पेस के अंदर है, जो कि नाउ सो कैलकुलेट फॉर द मीडियम, मीडियम की जगह सी की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह अपने पास एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ये तो ई नॉट ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपन ने किसके लिए निकाल दिया, फ्री स्पेस के लिए। द अबव इक्वेशन टेल्स द इंटेंसिटी ऑफ The intensity of A. Intensity of EM wave. ठीक है, EM wave की intensity को बताता है, this is important. ठीक है, तो अपन ने क्या निकाल ली यहां पर, intensity की value भी निकाल ली। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, अपन ने बात कर ली किसके बारे में, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पता कर लिया, फिर इस पॉइंटिंग वेक्टर से अपन ने किसके बारे में कैलकुलेट कर लिया, उसकी इंटेंसिटी के बारे में भी, कितना भाई इंटेंसिटी कितनी होगी उस ईएम वेव की, वो कितनी इंटेंसिटी के साथ उसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा होगी, वो इस वैक्टर का क्या बताता है अपने पास में, एवरेज वैल्यू। अब इसमें इससे रिलेटेड ना एक थ्योरम आती है जिसको अपन बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, तो उसको डिस्कस करेंगे, इसको आप फटाफट से कैरी कर लेना, उतार लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर लास्ट में उतरवा लेंगे, एक काम करेंगे जब के जब। तो देखो ये अपने पास में आता है पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम। अब पॉइंटिंग थ्योरम बेस्ड है किस पे, इसी पे, पॉइंटिंग वेक्टर के ऊपर। ठीक है, और इस पॉइंटिंग थ्योरम से अपने पास में 3-4 फिजिकल इंटरप्रिटेशन बाहर आते हैं, मतलब फिजिकल मीनिंग बाहर आती हैं, उनसे अपन इसको पॉइंटिंग वेक्टर को भी अच्छे से समझ सकते हैं और एनर्जी का कन्वर्जेशन भी समझ सकते हैं। मतलब पॉइंटिंग थ्योरम जो होती है वो एक तरीके से अपन ये बताती है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो कैसी रहती है, कंजर्वड रहती है। ठीक है, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो सेम की सेम अपने पास में एप्लीकेबल होता है किसमें, ईएम वेव्स में। लेकिन ईएम वेव्स की एनर्जी को कन्वर्जेशन को बताने के लिए अपन कौन सी थ्योरम का यूज लेते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंटिंग थ्योरम जो होती है वो एनर्जी कन्वर्जेशन के बारे में अपन को क्या बताती है, सॉरी एनर्जी के कन्वर्जेशन के बारे में बताती है, किसकी, ईएम वेव्स की, कि ईएम वेव्स की भी एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, तो अपन अगर इसमें आगे बढ़ें पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो पॉइंटिंग थ्योरम टेल्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी की जो कंजर्वेशन होती है उसके बारे में अपने को क्या बताता है, पॉइंटिंग थ्योरम बताता है। ठीक है, सिंस सिंस इसको अपन ड्राइव कर लेते हैं, सिंस मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट वर्क ऑन चार्ज। ये तो अपने को पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अपने पास में वर्क डन नहीं करती है चार्ज के ऊपर। चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है या फिर कोई एक्सेलरेशन करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, देखो एफ बराबर क्यू ई एम ए, तो क्यू बाई एम इंटू ई, ये अपने पास में क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। तो मतलब चार्ज को एक्सेलरेट कौन करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड करती है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका कुछ भी काम नहीं होता है कुछ भी वर्क करने में। ठीक है, तो जो वर्क होगा एक्सेलरेटेड चार्ज के ऊपर वो कौन करेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। सो वर्क ऑन एक्सेलरेटेड चार्ज इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो वर्क डन होगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, ना कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अपने पास में सो वर्क डन कैसे दिया जाएगा, अब देखो, सो वर्क डन ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय कितना होगा, W इक्वल्स टू कितना होगा अपने पास में, F डॉट ds, या इसको dx या dx लिख लो, जो भी आपकी इच्छा करे, मैंने dx लिख दिया। ठीक है, तो F डॉट ds अपने पास में क्या देता है, वर्क डन देता है। नाउ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर कितना होता है अपने पास में, Q into E। ठीक है, F बराबर कितना होता है अपने पास में, Q into V। तो ये W कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में QE डॉट dx, यही हो जाएगा अपने पास में। अब एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट अबाउ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो dW by dt एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, dQ by dt, और इसको मैंने अलग लिख लिया E डॉट dx, इसको मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, आगे चलें, ये कितना हो जाएगा dW by dt, ये क्या होता है अपने पास में, dQ by dt करंट होता है I, ये हो जाएगा I dx। आगे चलें, तो ये कितना हो जाएगा dW by dt एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ये I अपॉन में dA, मैंने dA से इसको डिवाइड कर दिया और dA के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो ये dx और यहाँ पर बाहर रख दिया dA। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो अपने पास में ये क्वांटिटी तो हो जाएगी J। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी अपने पास में, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी डॉट ई, ये J डॉट ई, और dx इंटू dA ये आ जाएगा आपके पास में वॉल्यूम, ये dW by dt। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना आ रहा है, J डॉट ई डी टाउ, क्योंकि अपने को पता है कि करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। सिंस करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू से, इसको बोलते हैं अपन क्या, करंट डेंसिटी।
क्या बोलते हैं अपन, करंट डेंसिटी। तो अपने को जे डॉट ई निकालना है, ठीक है। तो जे डॉट ई निकालने के लिए मैं कोई मीडियम ले लेता हूँ। देखो आप फ्री स्पेस से भी निकाल सकते हो, मीडियम से भी निकाल सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता फॉर्मूले पे, ठीक है। वो म्यू और एप्सिलॉन का फर्क होता है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर अ मीडियम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इज गिवन बाय देखो कितना होगा अपने पास में। ये था अपने पास में डेल, क्रॉस में बी था, ये कितना हो जाएगा म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल ई ओवर डेल टी। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ऐसे ही दी जाती है, इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो डेल क्रॉस ये अपने पास में बी ओवर म्यू, म्यू को इधर ले आया मैं, ये कितना हो जाएगा जे डॉट एप्सिलॉन डेल ई ओवर कितना हो जाएगा ये डेल टी, ये कितना आ जाएगा डेल क्रॉस एच, ये तो एच हो जाएगा अपने पास में, ये कितना आ जाएगा जे प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, एप्सिलॉन को अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो हो जाएगा डेल ओवर डेल टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एप्सिलॉन ई। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ मैं, और सब कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराया हुआ है। ये जे और ये कितना हो जाएगा डेल डी ओवर डी, क्योंकि अपने पास में जे एच जो होता है वो कितना होता है बी ओवर म्यू, और जो डी होता है वो कितना आता है एप्सिलॉन ई, ठीक है। तो ये किसी भी मीडियम के लिए अपने पास में मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होती है, और ये मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है आपको, ठीक। तो अपने पास में ये कितना आ गया जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से ये कितना आ जाएगा देखना, जे की वैल्यू कितनी आएगी, जे कितना हो जाएगा अपने पास में, जे की वैल्यू हो जाएगी डेल क्रॉस एच माइनस के डेल डी ओवर डेल टी, यही हो जाएगा अपने पास में। एक मिनट, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ कुछ नाम, ये है ना ये अपने पास में कहाँ गया, ये इक्वेशन नंबर वन, ये अपने पास में इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ये अपने पास में आ रहा है डेल क्रॉस एच माइनस के डेल डी ओवर डेल टी, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ई, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसमें प्रोसीड करूं तो ये कितना हो जाएगा जे डॉट ई, दिस इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस के, ये हो जाएगा ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी। अब ये स्टूपिडिटी ये मत बता देना यहाँ पे कि बोले सर यहाँ तो आपने ऐसे ले लिया है मतलब जे डॉट ई और वहाँ पर ई को पहले ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये भी डॉट प्रोडक्ट है, आगे चलें। नाउ ये जो अपने पास में टर्म है इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, कैसे देखो, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी कौन सी, डेल क्रॉस ई क्रॉस में एच, ठीक है, डेल क्रॉस ई क्रॉस में एच। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में डेल क्रॉस ई क्रॉस में एच, अपने पास में ये वेक्टर आइडेंटिटी अगर अपन यूज लेंगे तो ये वेक्टर आइडेंटिटी अपने पास में ओपन कैसे होगी, देखो यहां तो आ जाएगा एच डॉट और ये कितना हो जाएगा डेल क्रॉस ई प्लस, ये अपने पास में वैल्यू कितनी आएगी माइनस अपने पास में ये टर्म बनेगा
माइनस के ई डॉट डेल क्रॉस में एच, ठीक है, यही टर्म रह जाएगी अपने पास में। मैं एक मिनट में देख लेता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, डेल डॉट ई क्रॉस में एच, डेल डॉट ई क्रॉस में एच, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई डॉट एच माइनस ई डेल क्रॉस में एच, ठीक है। यहाँ पर गलती हुई है बस, ये मैं डॉट आएगा यहाँ पर, ये डॉट आएगा बेटा, ये वेक्टर आइडेंटिटी होती है, ठीक है। इस वेक्टर आइडेंटिटी को अगर मैं यूज़ करूँ तो अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, ई डॉट डेल क्रॉस में एच, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, एच डॉट डेल क्रॉस में ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस में एच, ये वैल्यू अपने पास में है, ठीक है। तो इसको कहाँ रख देते हैं अपन, इसको इक्वेशन दे दो आप, अपन दो दे चुके थे ना, तो ये तीसरी हो गई, ये हो गई फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, अगर मैं थ्री और फोर इक्वेशन की बात करूं तो अपने पास में देखो ये कितना आएगा, जे डॉट ई, जे डॉट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, पुट कर दो इसके अंदर, तो ये अपने पास में आ जाएगा एच डॉट डेल क्रॉस में ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस में एच, और ये आ जाएगा माइनस के ई डॉट डेल डी ओवर, कितना हो जाएगा ये डेल डी, ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन टू एंड फाइव, ठीक है, टू ही थी ना अपने पास में वो, जहाँ पर जे डॉट ई अपने पास में डी टाउ बन रहा था, ये रही, ठीक है, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फाइव। तो इक्वेशन टू और इक्वेशन फाइव से मैं देखूँ तो अपने पास में जो डी डब्ल्यू बाई डी टी था, अब ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ ये जे डॉट ई, इसकी वैल्यू ये रखी हुई पूरी की पूरी, एच डॉट डेल क्रॉस में ई माइनस के डेल डॉट ई क्रॉस में एच, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के ई डॉट डेल डी ओवर डेल टी, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास में, ओवर डी टाउ, ठीक है। आगे चलें, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इस टर्म को अलग तोड़ दो, उसको अलग तोड़ दो, मतलब इस टर्म को मैंने अलग लिख दिया, ये अपने पास में आ रहा है ना h डॉट डेल क्रॉस में e, ये अपने पास में इसको माइनस e डॉट डेल d ओवर डेल t, ठीक है, और ये अपने पास में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा अपने पास में d tau माइनस के, इसको मैंने अलग तोड़ दिया इंटीग्रेशन को, डेल डॉट ई क्रॉस में एच, और यहाँ पर आ जाएगा ये डी टाउ। एक मिनट, अपने में ये जो अपने पास में वैल्यू है, अच्छा ये प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस रहेगा, वेक्टर आइडेंटिटी में अपन ने एक गड़बड़ी कर दी, अगर ये प्लस रहेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक मिनट मैं यार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लस माइनस का थोड़ा सा मेरे को लफड़ा लग रहा है, डॉट एच माइनस के ई, ये तो सही है, ठीक है, नहीं नहीं सही चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं नहीं सही है, सही है। सिंस सिंस जो डेल क्रॉस ई होता है आपका, वो कितना होता है बेटा, माइनस के डेल वी ओवर डेल टी, यही होता है, ठीक है। तो अगर मैं अब मैं पूरे पूर्ण की बात करूं, पूर्ण डिफरेंशिएशन की, तो वो कितना हो जाएगा, डी वी ओवर डी टी, अब मैंने पूर्ण ही ले लिया, या फिर एक काम करो डेल ले लो, सब में डेल ही ले रखा है ना अपन ने, तो इसको डेल ले लेते हैं, एक मिनट, तो फिर अपने पास ये वर्क डन भी डेल में लेना पड़ेगा, ये डेल वी ओवर डेल टी, ये भी डेल में आएगा, यह आ जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी,
ठीक है, फिर मैं सब में ही सही कर देता हूँ इसको। डेल डब्ल्यू ओवर ये कितना हो जाएगा डेल टी, और कहाँ पर है डेल डब्ल्यू, ऊपर भी रह गया था ना शायद, ये रहा, दो तीन जगह पर है। क्योंकि यहाँ पर आपका वर्क डन है ना, पार्शियल फंक्शन होगा, किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा ये, तो ये हो जाएगा अपने पास में डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। और एक यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा डेल क्यू ओवर डेल टी, ये आ जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, ये भी डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपने पास में ये डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी। ठीक है, चलें फर्दर प्रोसीड करें इसको। तो ये कितना हो गया अपने पास में माइनस के डेल बी ओवर डेल टी, तो डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी कितना हो जाएगा अब इंटीग्रेशन, ये एच डॉट, ये हो जाएगा डेल बी ओवर डेल टी, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, प्लस ये कितना आ जाएगा ई डॉट डेल डी ओवर कितना हो जाएगा ये डेल टी, और यहाँ पर लगा दिया अपन ने डी टाउ एंड माइनस के, ये हो जाएगा डेल डॉट ई क्रॉस में एच, और ये कितना हो गया डी टाउ, ये अपने पास में वैल्यू आएगी यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अपन डेल ऑपरेटर को हटा ही देते हैं पूरा ही, तो अगर मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देता हूँ तो ये देखो ये कितना हो जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, ये माइनस का इंटीग्रेशन एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी प्लस ई डॉट डेल डी ओवर कितना हो जाएगा ये डेल टी, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में ये डी टाउ, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ये डेल का कितना हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा ई क्रॉस में एच, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये डी ए। देखो मैंने बताया था ना एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी आ रहा ना टर्म, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी ये एस वेक्टर है आपका, ये एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी के बारे में अपने को क्या बताता है, कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर कितना होगा, नाउ फ्रॉम टोटल एनर्जी डेंसिटी, फ्रॉम टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है यू बराबर यू ई प्लस यू एम, ये कितना था अपने पास में हाफ एप्सिलॉन, ये तो अपने पास में कितना था ई स्क्वायर प्लस हाफ म्यू, और ये कितना था बी स्क्वायर, इसका भी अपन क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डेल यू ओवर डेल टी, ये कितना आ जाएगा अपने पास में हाफ एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल ई ओवर डेल टी प्लस हाफ म्यू, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट कितना आ जाएगा अपने पास में डेल वी ओवर डेल टी। ठीक है, और ये पावर भी तो आगे आएगी, ये टू, ये इसमें टू, टू से टू कैंसिल, इस टू से ये टू कैंसिल, ये कितना आ जाएगा अपने पास में ई e, ये कितना आ जाएगा अपने पास में एप्सिलॉन को अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं ई एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये अपने पास में बी बाई म्यू क्या होता है एच डॉट डेल बी ओवर डेल टी, ये कितना हो जाएगा ये डेल ई ओवर डेल टी, अच्छा ये क्या कहलाता है अपने पास में डी वेक्टर, ये डेल आएगा, तो ये हो जाएगा डेल डी ओवर डेल टी प्लस एच डेल बी ओवर डेल टी। ठीक है, ये अपने पास में क्या कहलाएगा डेल यू ओवर डेल टी, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो देखो इस इक्वेशन में यही तो आ रही है अपने पास में, तो ये इक्वेशन मैंने नाम दे दी, कितनी हो गई थी अपने पास में पांच हो गई थी, ये सिक्स्थ हो गई, और ये हो गई अपने पास में सेवन्थ। फ्रॉम सिक्स एंड सेवन, तो अपने पास में डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये माइनस का साइन आ रहा था ना यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा डेल यू ओवर डेल टी डी टाउ। ठीक है, माइनस के अपने पास में यहाँ पर कितना आ जाएगा ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच, और ये कितना आ जाएगा अपने पास में डी ए।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये डेल यू ओवर डेल टी, इसको मैं इधर ले आता हूँ, डेल यू ओवर डेल टी और ये डी टाउ, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी माइनस ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई क्रॉस एच, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये डी ए, ये कितना हो जाएगा डेल यू ओवर डेल टी ये डी टाउ, एंड दिस इज इक्वल्स टू अपने पास में माइनस के डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, और ये माइनस का कितना आ जाएगा अपने पास में ई क्रॉस एच कितना हो जाएगा एस डॉट डी ए, ठीक है। तो देखो ये अबव इक्वेशन क्या बता रहा है आपको कि आपके पास में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, एक आपके पास में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, जो भी एनर्जी स्टोर्ड कर रखी है वो लॉस हो रही है, एक तो मैकेनिकल वर्क में और एक एनर्जी के फ्लो में। ये एनर्जी का फ्लो बताता है, एस वेक्टर जो होता है ना वो एनर्जी के फ्लो के बारे में बता रहा है, किससे, सरफेस एरिया से, ठीक है। तो अपने पास में किससे बता रहा है, सरफेस एरिया से। तो अबव इक्वेशन मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, इन द अबव इक्वेशन फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट लॉस इन मैकेनिकल वर्क, लॉस इन मैकेनिकल वर्क। तो इसमें देखो डेल डब्ल्यू बाई डेल टी आ रहा है ना, ये अपने पास में मैकेनिकल वर्क है, और ये जो मैकेनिकल वर्क जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो माइनस में टर्म आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क, ठीक है। और दूसरा अपने पास में जो टर्म आ रहा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एनर्जी थ्रू द सरफेस, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो अपने पास में मैं ऐसे लिख देता हूं, इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क एंड सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट flow of energy through the surface, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सरफेस। देखो एस डॉट डी ए है, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एस होता है ना अपने पास में, ये क्या बताता है, एनर्जी के बारे में ही बताता है। मतलब एक तरीके से जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो एनर्जी के फ्लो के बारे में ही बताता है, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं, जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो जो पॉइंटिंग वेक्टर, सो पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड अबाउ इक्वेशन इज नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। अबाउ इक्वेशन क्या होती है, पॉइंटिंग थ्योरम से नाम से जानी जाती है। देखो एक और चीज, यहां पर मुझे कैसे पता लगा ये एनर्जी का टर्म है, डायमेंशन मैच कर लो ना, डायमेंशन दोनों तरफ मैच करो आप, तो ये भी तो देखो ये एनर्जी का डायमेंशन है, ये भी तो चेंज इन एनर्जी का डायमेंशन है, तो ये भी तो चेंज इन एनर्जी का ही डायमेंशन होना चाहिए, सब में एनर्जी का ही चेंज हो रहा है, तो ये भी अपने पास में एनर्जी का चेंज होना चाहिए, और एनर्जी का चेंज कहाँ पे हो रहा है, सरफेस के थ्रू हो रहा है, तो इसका मतलब ये एनर्जी को बताएगा। आप ऐसे भी बता सकते हो फिजिकली मीनिंग इसका, ठीक है। दूसरा अपन ये भी बता सकते हैं आगे कि जो अपने पास में एनर्जी जो स्टोर हो रही थी, ठीक है, ये जो इक्वेशन क्या बता रही है कि जो एनर्जी आपकी स्टोर हो रही थी किसमें, एक वॉल्यूम में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या करती है, ये स्टेट करती है कि जो एनर्जी है स्टोर्ड थी वॉल्यूम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज लॉस, मतलब ये किसमें जा रही है अपने पास में, लॉस इन मैकेनिकल वर्क और फ्लोज थ्रू द सरफेस। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम
वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द लॉस इन मैकेनिकल वर्क एंड flows through the surface. That means pointing theorem state कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैंने तो पहले ही बताया था, ये क्या बताता है? एनर्जी का कंजर्वेशन. ठीक है, अब एक बात बताओ, अपने पास में ये जो एनर्जी आ रही थी ये कितनी आई थी? डेल यू ओवर डेल टी, और यहाँ पर डी टाउ था, एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अपने पास में कितना आ रहा था? माइनस के डेल डब्ल्यू ओवर डेल टी, और यहाँ पर कितना आया था? माइनस के ये एस डॉट डी, यही आ रहा था अपने पास में. अब एक बार बताओ, मैं इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अपने पास में डेल यू ओवर डेल टी. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है तो मैं तो इसको ई एम लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने बताया ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है. ठीक है, ये मैकेनिकल है तो इसको मैंने तो ऐसे लिख दिया, ये तो ई एम हो गया आपके पास में ई एम, और ये डी टाउ. इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ डेल ओवर डेल टी यू मैकेनिकल इंटू डी टाउ. बोले सर ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, एक बार बताओ. डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू की अपने पास में जब मैं एनर्जी डेंसिटी की आपको मैंने वो बताई थी तो वो कुछ ऐसा ही बताया था, जो भी अपने पास में ई डॉट डी टाउ आ रहा था, तो डी टाउ को ही तो अपने डिफरेंशिएशन में लिया था. अगर मैं ये कर दूँ तो ये तो यही बनेगा. तो ये अपने पास में क्या बता रहा था? एनर्जी डेंसिटी को ही तो बता रहा था. ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या लिख सकते हो तुम? ऐसे लिख लो. तो मैं, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना इस चीज़ में, तो भाई देखो, W कितना होता है अपने पास में, ये कितना होगा? एनर्जी डेंसिटी इंटू डी टाउ. दोनों तरफ डेल डब्ल्यू बाई डेल टी कर दो तो कितना हो जाएगा? डेल यू ओवर डेल टी डी टाउ. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यही तो लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, और यू एम से मैंने क्यों डिनोट कर दिया? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी है आपकी. ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी. कौन सी एनर्जी है ये? मैकेनिकल एनर्जी. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के एस डॉट डी ए. ये कितना आ जाएगा? माइनस के एस डॉट डी ए. मैं इनको अगर एक साथ लिख लूँ तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल टी. यहाँ पर तो आ जाएगा यू ई एम प्लस ये आ जाएगा यू एम, और ये कितना हो जाएगा? डी टाउ, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस के एस डॉट डी ए. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू ओवर डेल टी, टोटल एनर्जी आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस के एस डॉट डी ए. ये अपने पास में आएगा. ठीक है, सिंस ये टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास में? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यू ई एम प्लस यू एम, दिस इज इक्वल्स टू यू. ये अपने पास में. फर्दर अगर अपन प्रोसीड करें इसको आगे, तो एक बार बताओ, यूजिंग वापस से वो गॉस डाइवर्जेंस लगाते हैं अपन. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा डेल यू ओवर डेल टी, ये डी टाउ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के, ये कितना हो जाएगा अपने पास में? डेल डॉट एस, और ये कितना आ जाएगा? डी टाउ. इसको और फर्दर सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? डेल यू ओवर डेल टी, इसको मैं इधर ले आया, प्लस डेल डॉट एस, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में? डी टाउ, दिस इज इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए. सो डेल यू ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट एस वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो. बेटा ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन की फॉर्म होती है. ठीक है, तो अबाव इक्वेशन
इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर ईएम वेव्स. किसके लिए होती है ये? फॉर ईएम वेव्स. ईएम वेव्स के लिए क्या होती है ये? कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है. ठीक है, जो कि अपने को क्या बताएगी? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती है? कि जो आपका फ्लो ऑफ एनर्जी डेंसिटी है किसी भी सरफेस से, वो किसके इक्वल होता है? लॉस इन एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द वॉल्यूम. ठीक है, स्टेट्स फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द लॉस इन एनर्जी डेंसिटी. इन लॉस इन एनर्जी डेंसिटी इन वॉल्यूम. ठीक है, जो भी है, वैसे तो एनर्जी डेंसिटी से ही पता लग जाएगा वॉल्यूम की बात हो रही है. ठीक है, देख लो आप इसको वहां ले जाओगे माइनस चला जाएगा. ये तो अपने फ्लो को ही तो बताता है, ये फ्लो को बता रहा है और ये अपने पास में लॉस को बताएगा. बस ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही बारे में बताती है. तो ये अपने टॉपिक होता है कंप्लीट. एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है और एक आपका क्या आ जाता है? पॉइंटिंग थ्योरम. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे. मैं अभी स्लाइड्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर. ठीक है, तो अपन क्या करना, अभी स्लाइड्स को पीछे करके आप लिखते जाना इसमें. अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके अनदर टॉपिक्स के बारे में कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हो, कंडक्टिंग मीडियम में हो, तो किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस निकाल जाते हैं. ठीक है, राधे राधे.